आज हमारे जो बयान का मौजू है वो यही है कि बंदा अपने नेक आमाल को छुपाए। फिर सुनेंगे कि बुजुर्गाने दीन का तर्ज़ अमल क्या हुआ करता था, इसके हवाले से हमारे बुजुर्गाने दीन कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे इसके बारे में सुनते हैं। हमारी हिर्स ये है कि मेरे पास माल कैसे आएगा, मेरे पास प्रॉपर्टी कैसे आएगी, एक घर है तो दो कैसे होंगे, एक कारोबार कर रहा हूँ तो दूसरा कारोबार शुरू करना है, आज मेरे पास बाइक है तो फिर कार कैसे आएगी, कार है तो फिर लैंड क्रूजर कैसे आएगी। तो हम दुनिया के मामलों में हिर्स करते हैं, दुनिया की चीज़ों में हिर्स करते हैं कि मैं इससे सबकत ले जाऊँ, आज मैं अगर लाखों पति हूँ तो फिर मैं करोड़पति कैसे बनूँगा। तो हम दुनिया के कामों में हिर्स करते हैं, दुनिया के कामों में सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सहाबाए किराम की ज़िंदगी पर कुर्बान जाइए कि वो क्या करते थे, वो नेकियों में सबकत ले जाने वाले होते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि मर्द होने के साथ साथ हम घरेलू कामकाज में अपनी औरतों का हाथ नहीं बटाते और हम इसमें अपनी शान में जो है वो कोताही समझते हैं, कभी समझते हैं कि हम मर्द होकर काम करें। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर हम पढ़ेंगे तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजवाज मुतहरात के साथ बाज़ोकात घर के काम काज में हाथ बटाया करते थे। हमारे नबी हैं, उम्मत के सरदार हैं, तमाम अंबिया के जो है वो नबी हैं, सरदार हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसी थी और हम कैसे गुजार रहे हैं और हम आज क्या हैं। अगर हमारे यहाँ थोड़ी सी नेकी हो जाती है तो फिर किसी तरीके से चाहते हैं कि यार बस ये नेकी किसी तरीके से लोगों तक पहुँच जाए, किसी भी तरीके से लोगों तक ये नेकी मेरी पहुँच जाए और लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मेरी वाह वाह करें ताकि मुझे शोहरत हासिल हो सके। तो ऐसा ना करें। अगर नेक आमाल करने की तौफीक अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दी है तो इसको छुपाने की कोशिश करें ताकि जो इंसान का दुश्मन है, एक नफ्स इंसान का दुश्मन है और दूसरा शैतान इंसान का दुश्मन है, ये दोनों कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी नेकियां महफूज रह सकें। जो नेकी रियाकारी से बच जाएगी वो महफूज है, जो नेकी लोगों को दिखाने से बच जाएगी, फकत अल्लाह की रिजा के लिए जिस नेकी को हमने किया होगा वो नेकी हकीकी तौर पर महफूज है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ वजल के नेक बंदे अल्लाह पाक की मोहब्बत में उसको फरियाद करते, नदामत और शर्मिंदगी से आंसू बहाते और खौफ खुदा और इसके मुस्तफ़ा में रोते हुए रातें गुजारते हैं, सारी सारी रात इबादत में गुजारते मगर अपनी इबादत को लोगों पर जाहिर भी ना फरमा करते थे। अभी हमने सुना कि सारी सारी रात कुरान पाक की तिलावत करते, तिलावत में रोते और जब सुबह का टाइम आता, फजर का टाइम आता तो वो अपने चेहरे को धो लिया करते थे, आंखों में सुरमा लगा लिया करते थे ताकि लोगों को ये महसूस ना हो कि ये रात को रो कर आया है, कि हमारी ये नेकियां लोगों पर जाहिर ना हो। ये हमारे बुजुर्गान ने दीन का तरीका था कि जो अपनी नेकियों को छुपाया करते थे, अपने नेक आमाल को छुपाया करते थे। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि बिला इजाज़त शरई अपने नफली काम जो होते हैं, नफली रोज़ा हो गया, कहीं पे सदका खैरात करने की अल्लाह ने तौफीक दी ही तो इसको जो है वो लोगों में बयान ना किया जाए, बिला इजाज़त शरई अपने आप को आलिम दीन ज़ाहिर ना किया जाए, हाफिज़ कुरान ज़ाहिर ना किया जाए, अपने आप को नेक काम वाला ज़ाहिर ना किया जाए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से तरीके ढूंढ कर आ जाते हैं कि यार ये हमारा नेक अमल किसी तरीके से पहुँच जाए। बस अब सुबह जो है वो किसी को थोड़ी नींद आ रही है तो अब वो लोगों में बता रहा है कि बस यार वो रात को तहज्जुद के लिए मैं उठा था तो बस वो नींद मेरी पूरी नहीं हो सकी तो इसलिए अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है। अब वो करना क्या चाह रहा है कि वो बयान ये कर रहा है कि मैं भी रात को तहज्जुद के लिए उठा था भाई, मैं भी तहज्जुद पढ़ने वाला हूँ। तो अल्लाह के बंदे, यहाँ पे तहज्जुद को बयान करने का क्या जिक्र, ज़रूरत ही पेश नहीं थी। अब बाज़ कहते हैं कि यार आप उठते नहीं हो तहज्जुद के लिए, मैं तो पढ़ता हूँ आप नहीं पढ़ते। तो भाई आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, दूसरों को बताना ज़रूरी नहीं है। और बताकर आप क्या जाहिर करना चाहते हैं कि मैं भी तहज्जुद पढ़ने वाला हूँ। अच्छा, फ़कत तहज्जुद तक महदूद नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम बातों ही बातों में जो है वो निकाल लेते हैं ना कि यार वो घर के हालात थोड़े इसलिए टाइट लगे पड़े, वो फुला मस्जिद का काम नहीं हो रहा, वहाँ पे वो मैंने चंदा दिया था अब घर के थोड़े हालात टाइट लगे हुए।
तो ये बता रहे हैं कि वो मैं ताउन करने वाला हूँ, मैं चंदा देने वाला हूँ। यानी लोग ये चाहते हैं, वाकई अफसोस की बात है कि लोग चाहते हैं कि यार किसी तरीके से मेरा ये नेक अमल पता लग जाए, बस लोगों तक पहुंच जाए, फिर क्या होगा आगे। अब वो उसकी जब तारीफ ना की जाए तो फ़ायदा क्या हुआ भाई। एक तो होता है कि नेक बता दिया, वजह क्या है, तारीफ हासिल हो जाए, लोग मेरी वाह वाह कर लें, शोहरत हासिल हो जाए। लेकिन बाद लोग फिर क्या करते हैं कि वो तारीफ नहीं करते ना, उनकी आदत होती है, वो क्या करते हैं एक कान से सुन लिया दूसरे कान से निकाल लिया। अब वो जो आपका बताने का मकसद था कि लोग मेरी तारीफ करें, वाह वाह करें, वो तो आपको हासिल ही ना हुआ, खाम खाई आपने अपनी नेकियां ज़ाया कर दी बताकर। तो बंदा रब ताला की रज़ा को मलहूज़ खातिर रखे, रब ताला की रज़ा उसकी सबसे अव्वल नंबर होनी चाहिए। काश हम भी अपने नफली रोज़े, अपनी नफली नमाज, नफली हज, उम्रा, सदका खैरात और दीन के लिए जितनी भी खिदमात वाले काम हैं उसका बिला वजह ढंडोरा ना पीटें। ऐसा ना हो कि दो रकात नमाज नफिल पढ़े फिर उसको फिर लोगों में बताता फिर रहा है कि मैंने दो रकात नमाज नफिल पढ़ी। एक बंदा होता है वाजे नेकी कर रहा है, ऐलानिया तौर पर नेकी कर रहा है। एक बंदा है कि जो छुप कर नेकी कर रहा है, तो फरमाया कि जो छुप कर नेकी करने वाला है उसकी फजीलत 70 गुना ज़्यादा अफजल है। और हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि यार हमारी नेकियां लोगों को पता चल जाएं, किसी तरीके से लोगों तक पहुँच जाएँ। चौथा फरमान, फरमाया कि पोशीदा यानी छुप कर किया जाने वाला अमल ये ऐलानिया अमल से अफजल है, अफजलियत रखने वाला है। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, याद रखिए कि जहाँ छुपाने का मकसद नेकियों को ज़ाया होने से बचाना है, शरीयत और अहादीस मुबारका के अंदर और बुजुर्गान दीन इन चीज़ों पर क्यों ज़ोर देते थे कि नेकियाँ ज़ाहिर ना हों, हमारे नेक आमाल छुपे रहें, तो इसका मकसद एक ये था कि लोग अपनी नेकियों को छुपा कर महफूज कर लें। चूँकि हमारे दो शैतान और एक नफ्स, ये हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। ए आशिकाने रसूल, हमें चाहिए कि अपने जो नेक काम हैं, अच्छे काम हैं, हत्तल इम्कान उसको छुपाना चाहिए और बिला ज़रूरत किसी को ना बताएं, क्योंकि नेकियों का इजहार करने से इंसान की नेकियों में कमी हो सकती है और नेकियों का इजहार करने से इंसान की नेकियां बर्बाद हो सकती हैं। चूँकि ये दिल चाहता है ना हमारा कि हम इसको बयान करें, तो ये अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए आसान फरमाए और अपनी नेकियों को अल्लाह तबारक व ताला छुपाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाही ताला ले मुसलसल 40 साल तक रोज़े रखते रहे, मगर आप रहमतुल्लाही ताला ले के इखलास का ये आलम था कि अपने घर वालों तक को खबर ना होने दी। अब आप अंदाज़ा करें कि 40 साल रोज़े रखने वाले, और रोज़े भी कैसे रखे कि घर वालों को ही पता नहीं है। होता क्या था, फरमाया कि सुबह वो काम के लिए जब जाते तो अपना वो लंच जो दोपहर का खाना होता है वो ले लेते घर वालों से, और वो रास्ते में किसी को सदका कर दिया करते थे, और जब वापसी रात को आते तो रात वाले खाने से वो अपने रोज़े की इफ्तार किया करते थे। ये बुजुर्गान दीन थे जो नेकियां छुपाने वाले थे, 40 साल तक रोज़े रखे फिर भी घर वालों को पता नहीं है कि ये रोज़ा इसने जो है वो रखा हुआ है। कुर्बान जाइए ऐसे बुजुर्गान दीन पर। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अपने नेक आमाल, अपने रोज़ों और अपने सदका और खैरात को पोशीदा रखने के मुतालिक हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वाले सलातुस्सलाम का इरशाद है कि जब तुम में से किसी एक का रोज़ा हो तो वो अपने सर और दाढ़ी में तेल लगाए और होंठों पर भी हाथ फेरे ताकि लोगों को मालूम ना हो कि ये रोज़ादार है, और जब दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, और जब नमाज पढ़े तो अपने दरवाजे पर पर्दा डाल दे ताकि लोग ना देखें कि ये नमाज पढ़ने वाला है। ए आशिकाने रसूल, देखा आपने कि नेकियों को जो छुपा सकता हो उसे छुपाना चाहिए, क्योंकि पोशीदा अमल वो अफजल अमल है और पोशीदा अमल ये ऐलानिया अमल से 70 गुना फजीलत रखता है। और तन्हाई में छुप कर नवाफिल पढ़ना ये लोगों में नवाफिल पढ़ने से अफजल है, और तन्हाई में छुप कर दो रकात नमाज नफिल पढ़ने के लिए जहन्नम से इंसान को आज़ादी अता कर दी जाती है। ताबेई बुजुर्ग हज़रत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं
कि जिसने एक रात भी अल्लाह पाक की ऐसे इबादत की कि कोई जानने वाला ना देखे, तो वो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे अपनी रात से दिन की तरफ निकल आता है। फरमाया कि वो गुनाहों से ऐसे निकल कर आता है जैसे दिन जो है वो रात की तरफ, जैसे रात होती है जब वो निकल दिन निकलता है तो वो रात ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं लगता कि रात कहाँ चले गई। तो ऐसे ही इसके गुनाहों का भी पता नहीं चलेगा किसका, के जो रात को इबादत करे और उसकी इबादत लोगों तक जाहिर ना हो। लेकिन गुनाहों को छुपाने का हमें हुक्म इरशाद किया जाता है, हमें हुक्म दिया जाता है, क्योंकि गुनाह जो होता है वो रब ताला की नाफरमानी वाला काम होता है। और एक तो ये होता है कि बंदा उसने गुनाह किया, गुनाह करके रब ताला की नाफरमानी की, अब फिर उस गुनाह को लोगों में जाहिर करना, ये रब ताला के सामने डट जाना है। एक तो बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, फिर दूसरा उस नाफरमानी को जो है वो दिलेर होकर दीदा दिलेरी के साथ लोगों में बयान करना, ये उससे भी बड़ा जुर्म है। तो फरमाया गया कि बंदा गुनाहों को भी छुपाए। जब आपके गुनाहों को अल्लाह तबारक व ताला ने उसका पर्दा रखा हुआ है, तो आप उस पर्दे को क्यों खोलना चाह रहे हैं? नीचे एक मिसाल भी दी गई थी कि जिस गुनाह को बंदे ने रात में किया, रात में अंधेरे में किया, अपने घर में किया, और उस गुनाह को अल्लाह तबारक व ताला ने इसका पर्दा रखा हुआ था, और यही बंदा सुबह उठकर यूं बयान करता है कि मैंने रात में ये गुनाह किया, मैंने रात में इस तरीके से गुनाह किया, तो इस बंदे का अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ था और इसने दिलेर होकर अल्लाह के पर्दे को ही ख़त्म कर दिया। तो इस बंदे को जो है वो अफसोस करना चाहिए, रब ताला की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करनी चाहिए, और साथ में हमें गुनाहों को भी छुपाना है और अपनी नेकियों को भी छुपाना है। जिस तरीके से हमारा कोई ऐब होता है, हम नहीं चाहते कि हमारा ये ऐब लोगों तक जाहिर हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए। तो जब हम अपना ऐब लोगों को बताना गवारा नहीं करते, तो फिर अपनी नेकियां भी लोगों को बताना गवारा नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक आमाल को छुपाने की तौफीक अता फरमाए, इखलास की दौलत अता फरमाए। रियाकारी जो है वो शिर्क असगर के हुक्म में है। जब अल्लाह इबादत के लायक है तो वो बंदा कहाँ से इसको अजर देगा? तो ये एक समझने की बात है और सोचने की बात है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।